विश्व पटल पर भारत अगर कुछ अच्छी बातों के लिए जाना जाता है तो कई ऐसी बातें भी हैं जो हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा करती है। ऐसी एक शर्मिंदा करने वाली घटना भारत की पहली लग्जरियस सुपरफास्ट ट्रेन तेजस के ट्रायल रन से पहले हुई। ट्रेन को दिल्ली से मुंबई ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही शीशे तोड़ दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत की तस्वीर कैसे बदलेगी। भारत की बदहाल तस्वीर को बदलने का सपना न जाने कितने भारतीय पाले हुए हैं। भारत की तस्वीर बदल सके इसके लिए सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन शायद कुछ लोग अच्छा भारत देखना ही नहीं चाहते। शायद इसलिए कई दिनों से पटरी पर दौड़ने के लिए बेकरार सुपरफास्ट ट्रेन तेजस के शीशे ट्रायल रन के पहले ही तोड़ दिए गए। शीशे तोड़ने की ये घटना तब घटी जब ट्रेन का एक रैक दिल्ली से मुंबई भेजा गया था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के निरीक्षण के बाद तेजस को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को मुंबई के लिए रवाना किया गया था। शनिवार को ट्रेन जब मुंबई पहुंची, तो पता चला कि खिड़की के दो शीशे टूटे हुए हैं। हालांकि इसका पता नहीं चल पाया कि शीशों को किसने तोड़ा है, लेकिन शीशों को देखकर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि इन्हें पत्थर मारकर तोड़ा गया है। भले ही ये घटना बहुत बड़ी न हो, लेकिन ये बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को इसी तरह नुकसान पहुंचाया जाता रहा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा और कैसे हम भारत को महाशक्ति बना पाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।